ऐसा वीडियो है जो मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊंगा। हम बिग बुल सीरीज़ या मनी मार्केट्स माइंडसेट में काफ़ी पॉडकास्ट कर चुके हैं, और जब भी कोई पॉडकास्ट करते हैं तो बड़ा इंटरेस्ट से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस या उन वीडियो से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन या सीखने का मौका मिले बाकी लोगों को। अब इसमें एक बेसिक प्रोसेस को फॉलो भी किया जाता है, जिसमें हम एक कोई भी फॉर्म भरा जाता है या कोई ईमेल करता है हमें, उसको हमारी टीम रीच आउट करती है, कॉल करते हैं, एंड देन वी वेरीफाई कि बंदा जो बोल रहा है उसमें जेन्युइनिटी है या नहीं। इसको तरीके हैं, हम PNL सॉर्ट ऑफ चेक करवाते हैं। पहले हम स्क्रीनशॉट्स लेते थे, आज की तारीख में हम गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करवाते हैं और चेक करवाते हैं कि लॉग इन करके एंड देन द पर्सन रीचेज़ द PNL पॉइंट, एंड उसके बेस पे हम एटलीस्ट ऑब्जेक्टिवली वहाँ पे ऑथेंटिकेट कर लेते हैं। फिर थोड़ा सब्जेक्टिव लेवल पे, क्वालिटेटिव लेवल पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस करते हैं, बात करके चेक करते हैं कि बंदे ने जो दिखाया वो एक्चुअल में ऐसा दिख रहा है बात करने से या ही इज सेइंग समथिंग एल्स। अब दिस इज़ वन प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आगे चल के मोर और लेस वी विल डिमांड यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एंड OTP। हम लॉग इन खुद करेंगे उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग ऐप में जाके। सो दिस इज़ समथिंग वी हैव नॉट स्टार्टेड, बट अब से आप जो भी बिग बुल पे आएगा वो उसका वेरिफिकेशन इसी तरीके से होगा, जहाँ पे हम लॉग इन आईडी क्रेडेंशियल्स लेंगे। जो कंफर्टेबल नहीं है लॉग इन आईडी देने में तो उनको हम बिग बुल पे या किसी भी पॉडकास्ट पे लेके नहीं आ पाएंगे। एनी वे, बट दिस इज़ वीडियो इज़ नॉट अबाउट द प्रोसेस, दिस वीडियो इज़ अबाउट दिनेश स्टॉक बर्नर। सो इन्होंने हमें इसी साल फरवरी में अप्रोच किया था और कहा था कि देखिए मैं एक फौजी बैकग्राउंड से आता हूँ। उन्होंने बताया था कुछ अपने बारे में जैसे बाकी लोग बताते हैं, हमने वैसे ही वेरिफिकेशन किया इनके साथ। इन्होंने तब उस टाइम पे हमें स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। स्क्रीनशॉट शेयर होने के बाद हमने थोड़ा बात करके देखा हमारी टीम ने, एंड एवरीथिंग लुक फाइन, एंड देन वीडियो हुआ जो हुआ। उस पॉइंट इन टाइम पे इट वाज वन थिंग कि हमें भी खुद खुशी लगी कि एक फ़ौजी कुछ अलग कर रहा है मार्केट में आके, वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ वीडियो एट दैट पॉइंट इन टाइम। बट देन आजकल जो दिख रहा है कि स्टॉक बर्नर दिनेश किस तरीके से अपने PNL को एडिट करके बाकी लोगों को थोड़ा बहुत उकसा रहे हैं या मिसगाइड कर रहे हैं, टोटली रॉन्ग। वी स्टैंड बाय द कॉन्टेंट दैट वी क्रिएट, एंड कोई भी जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे गेस्ट आता है उसके लिए ये एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दोस्तों नहीं है। मैं आपको इन द पास्ट तो नहीं बोल पाया, लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूँ, एंड आई शुड हैव सेड इट अर्लियर, मुझे पहले बता देना चाहिए था ये चीज़। हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी आता है उससे आप प्लीज़ कुछ भी बाय मत कीजिए। मैं आपको एग्जैक्टली बोल रहा हूँ उल्टा, मतलब कि प्रमोशन की जगह डी प्रमोशन वर्ड लगा दीजिए कि प्लीज़ डू नॉट बाय एनी कोर्स, एनी टिप, एनी सेशन, एनी क्लास फ्रॉम एनीवन दैट अपीयर्स ऑन अ डिजिटल ब्लॉगर। अब जो लोग सिर्फ ये चीज़ सोच के आते हैं, इस गेस्ट बन के आते हैं, प्लीज़ आप भी मत आइए। एज ऑफ नाउ वाइल वी आर टॉकिंग 10 से 15 वीडियोज़ पड़ी हैं जो कभी पब्लिश नहीं होंगी, क्योंकि वीडियो के टाइम पे जब उन्होंने बताया था कुछ और था, लेकिन एक्चुअल में जब वीडियो शूट किया तो दिखा कि वो अपना एक मोटिव लेके आए हैं। वो वीडियोज़ रद्दी में बिक जाएंगी, मतलब हमने डिलीट नहीं किए हैं फॉर रिकॉर्ड्स, बट वो कभी पब्लिश नहीं होंगी। उस वो हमारा लिए एक बेंचमार्क है कि ये वीडियोज़, इस तरह के वीडियोज़ आगे आने वाली जो टीम होगी, जो भी जैसे ग्राफिक टीम या कंटेंट टीम इन्वॉल्व होती है, उसके लिए रिकॉर्ड्स के लिए रखा हुआ। बट एनी वे, दैट्स द कॉन्टेक्स्ट। दिनेश ने एक PNL को एडिट किया, उसमें मैथ गलत था या जिस तरह से उन्होंने किया, आई डोंट नो एग्जैक्टली कैसे हुआ है ये, क्योंकि उन्होंने, हमने उनसे बात भी की थी, उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है अलग से, बट वट एवर बी द केस, ही इज़ नॉट शेयरिंग अ वेरीफाइड PNL टू एंड विद anyone, एंड वी आर ऑल्सो रीचिंग आउट टू हिम। तो इस केस में दिनेश किरोला की जो वीडियो है उसको हम हटा रहे हैं अपने चैनल से, वो विजिबल नहीं होगी। हमारे कुछ शॉर्ट्स किए थे उनके साथ, वो भी हट जाएंगे। इंस्टाग्राम पे पड़ा है कंटेंट, वो भी हट जाएगा। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस, क्योंकि जब बंदा वीडियो प्लेटफॉर्म पे आ जाता है उसके बाद वो क्या करता है, इट्स कम्प्लीटली आउट ऑफ आवर कंट्रोल। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं कि उस फेम को या उस पैसे को वो किस तरह से इस्तेमाल करता है, दैट्स एब्सोल्युटली इन द हैंड ऑफ अ पर्सन। बट मैं आपको साथ में फिर भी रिपीट करके कह रहा हूँ कि किसी का भी कोर्स, क्लास, किसी का भी कोई सब्सक्रिप्शन है, प्लीज़ डू नॉट बाय एनीथिंग जो भी अ डिजिटल ब्लॉगर के पॉडकास्ट पे आता है, उसका कुछ भी सब्सक्रिप्शन। प्लीज़ हमसे फ़ोन नंबर मांगे जाते हैं, हम कभी नहीं देते हैं। हमसे ईमेल आईडी, हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, वी डू नॉट प्रोवाइड दैट। किसी ना किसी तरीके से उनको मिल जाती है, बट हम, आप देख लीजिए खुद भी, महीनों पुराने कमेंट्स पड़े होंगे पुराने वीडियोज़ में, हम कभी रिप्लाई नहीं करते हैं उन कमेंट्स का। तो आप भी प्लीज़, मैं आपसे एक इल्तिजा कर रहा हूँ, डू नॉट बाय एनीबडीज़ कोर्स फ्रॉम एनीवेयर। आपको अगर बाय करना है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कीजिए, जस्ट बिकॉज वो यहाँ पे आया है। हम बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है,
डू नॉट ट्रस्ट अस आइदर, हम पे विश्वास मत कीजिए इन चीज़ों को लेके, क्योंकि आप किस तरह से उस चीज़ को परसीव करते हैं इज़ ऑल्सो आउट ऑफ आवर कंट्रोल, वो भी हमें नहीं पता है कि आप किसी गेस्ट को किस तरह से देखते हैं। तो हमारी तरफ से भी बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं आपको सीधा कह रहा हूँ, हमारी तरफ से जो भी गेस्ट आज आगे चल के पीछे जो भी आया है, किसी से कोई सब्सक्रिप्शन मत लीजिए, हमारी जिम्मेवारी तो दूर की बात है, हम आपको बिल्कुल मना कर रहे हैं उस चीज़ से। दिनेश करोला अगर आगे चल के अपने आप को ठीक प्रूव करने की कोशिश भी करते हैं तो उस केस में हम उनको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव वेटेड, इनको हमने चार पाँच दिन दिए हैं, बात भी की थी एक दो बार, बट हमें एक सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं मिला है। सो दिनेश फॉर अस इज़ नॉट समबडी दैट यू शुड लुक फॉरवर्ड टू। इनके वीडियोज़ में आप जाके देख लीजिए, इनके इंस्टाग्राम रील्स में जाके आप देख लीजिए, कुछ समय पहले ही थोड़ा बहुत आइडिया होना शुरू हो गया था हमें, द काइंड ऑफ वीडियोज़ ही वॉज मेकिंग शोइंग ऑफ मनी, एंड आई ऑनेस्टली टोल्ड हिम कि प्लीज़ डू नॉट डू दिस काइंड ऑफ कॉन्टेंट, ये मिसगाइड कॉन्टेंट मिसगाइड करेगा लोगों को, बट उसके बावजूद किया, तो या इट्स टोटली रॉन्ग। मैं कुछ नाम लूँगा ट्विटर यूजर्स के, लाई बर्ड, लिए बर्ड, आई डोंट नो कि उनका असली हैंडल क्या है, ही डिड अ फैबुलस जॉब एंड आई होप पीपल लाइक हिम, दिस प्राइस ट्रेडर गाय, और भी हैं, एंड कमेंट्स में आप भी बता सकते हो जिन्होंने, जुबारे खान एक हैं, इन्होंने अच्छा काम किया है। सो आई थिंक मैं एक दो लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, बट ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को सामने ला के रखा और डटे रहे, एंड दैट इज़ दी ब्यूटी ऑफ सोशल मीडिया। प्लीज़ दोस्तों, मैं आपको साथ में ये भी कहूँगा कि रैंडम चीज़ें मत कीजिए, रैंडम चीज़ें कॉन्टेक्स्ट बेस्ड नहीं होती हैं और फैक्ट बेस्ड नहीं होती हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि जो हम बोले एटलीस्ट अपने प्लेटफॉर्म पे, आई हैव समथिंग टू बैक व्हाट आई से, रैंडम हवा में कोई बात नहीं करते, बट नन द लेस फ्यू पीपल है, कुछ लोगों के नाम लिए, कुछ लोगों के नाम भूले, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट स्टिल दे डन अ फैबुलस जॉब, बट दिनेश एंड पीपल लाइक दिनेश एंड पीपल हु फॉलो दिनेश, एवरीबडी गाइज, जिनको दिनेश बनना है, आपको जल्दी क्यों है अमीर बनने की, अमीर बन जाना दोस्त, लेकिन एकदम से क्यों, मतलब हो जाओगे यार, यू वेस्टेड, इट कुड हैव बीन अ फैबुलस करियर, बहुत अच्छा करियर बन सकता था, इंस्पिरेशन सोर्स बन सकते थे, बट देन नाउ एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए हो, इनफैक्ट इससे स्टॉक मार्केट का नाम खराब होता है, इन्फ्लुएंसर्स कम्युनिटी का नाम खराब होता है, इससे जो लोग सच में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं उनका नाम खराब होता है, तो और जो लोग इनको फॉलो करते हैं और इनको एज इट इज़ आंख बंद करके इनकी विश्वास कर लेते हैं, क्यों उनको क्यों फॉलो करना है, क्यों, क्योंकि वो लाख रुपए का प्रॉफिट या घड़ी पहन रहे हैं या कुछ मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं एकदम से, आपको भी लेना है, अरे भैया मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है, अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाना है तो बिना मेहनत के किसी भी करियर में, वैसे ही स्टॉक मार्केट के करियर में नुकसान भी आएगा, इससे लोग देखते हैं कि अरे यार मैं अपनी सैलरी 15-20 हज़ार सैलरी है, किसी ने कहा कि स्टॉक बर्नर ने कहा कि भैया बहुत अच्छा मैं करता हूँ, मेरे जैसे करो, मेरा कोर्स लो, लोग उनको देख के उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, दिस इज़ वेयर थिंग्स गो रॉन्ग, थिंग्स गो साउथ, दोस्तों बिल्कुल नहीं जाना है, नहीं पॉसिबल ऐसे लाख लाख, पाँच पाँच, छः लाख, येस इट इज़ पॉसिबल बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस चीज़ों पे विश्वास कीजिए। एंड प्लीज़ लास्ट में दोबारा मैं कहूँगा कि अडिस्टर्ब ब्लॉगर के प्लेटफॉर्म पे कोई भी गेस्ट आता है, किसी का नंबर, किसी की ईमेल आईडी, किसी का कॉन्टैक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, किसी के पीछे मत जाइए, अपनी अकल लगाइए, किसी का कुछ बाय भी करना है तो अपना कुछ उसका डेमो लेके देखो, कुछ अंडरस्टैंडिंग लो, यार आपका मेहनत कमाया हुआ पैसा है, क्यों किसी के हाथ में देते हो फ्री में। अभी के लिए तो इतना ही दोस्तों, तो वीडियो हटा रहे हैं एंड आपको नहीं मिलेगी और शॉर्ट्स भी नहीं मिलेंगे, और अगर आपको कोई कंटेंट मिलता है जहाँ पे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं इस चीज़ की वेरीफिकेशन प्रोसेस को, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को, या इस पूरे पूरे प्रोसेस को जो मैंने आपको शुरुआत में बताया वीडियो के, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके हमें बताइए, वी आर ट्राइंग टू इवॉल्व द वे वी थिंक, जो भी हमारा टीम है, बट दिस विल हेल्प अगर आप हमें उस तरीके से गाइड भी करते हैं तो विल टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गेस्ट ओनली, नॉट वट ही डज आफ्टर दैट, मैं वो आगे भी नहीं ले पाऊँगा, मैं आपको ही कह रहा हूँ कि आपको नहीं करना है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, एंड आई होप कि हम भी इवॉल्व हों ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच।